आप बताएं भाई नेक्स्ट टिप क्या दे रही हैं आप, क्या सिखाया आपने? देखिए मैं बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट, ओ यस, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ना भूले हाँ, और अपनी डिग्निटी, डिग्निटी बिल्कुल। देखिए आप अपनी जब रिस्पेक्ट, अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट कराएंगे दूसरों से भी इज्जत कराएंगे अपनी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, आपको आप अगर दूसरे घर भी जा रही हैं आपको कोई बिला वजह डांट नहीं सकता, आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपको फिजिकल अब्यूज नहीं कर आप सकता। आप एक दो दफा हो गए ना, आपने बर्दाश्त कर लिया, एक दफा आपने अगर फिजिकल अब्यूज ले लिया ना और उस पे आप चुप होके रो लिए, गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज, जिंदगी भर आप रोते रहेंगे। आपसे कोई क्यों नाजायज करे, आपको अपने हक पता हो, आपको पता हो कि आप सही हो, आपकी भी रिस्पेक्ट है। एक बहुत प्यारी बात है जो आपके हवाले से ही मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभार बच्चियां जो है ना उनको ससुराल में जाके ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत कमतर है, हाँ वो मतलब लाइक वो ना किसी चीज में भी नहीं अच्छी है, वो नौकर बन के आई है, मतलब तो उनको ये जरूरी है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई ये तो मैं बहुत, और इसी वजह से वो बेइज्जती सहरी होती है। लेकिन अगर उनको पता है कि उनकी एक ईगो, एक रिस्पेक्ट ऐसे गलत अंदाज में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डिग्निटी होना बहुत जरूरी, इसलिए नहीं कि आप बैठ के लड़े कि ये क्यों, नहीं आप अपने हक से तो आगाह हो ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको बिला वजह क्यों कोई गाली दे, माँ बाप के घर में और बात होती है, हाँ। जब आप इन लॉ ससुराल में जाते हैं वो और बात होती है, तो आप अपने बच्चों में थोड़ी सी खासकर बेटियों में बर्दाश्त, टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त जरूर होनी जरूर चाहिए, ये नहीं कि हर बात में वो खड़ी हो जाए डंडा लेके। एक बात बताऊं, बड़ी बारीक लाइन है, बच्ची को किस तरफ पैर रखना है, किस तरफ पैर नहीं रखना है, एक बड़ी बारीक, या तो आप बहुत उस वक्त मत बोले, बाद में आप भले उनको बता दें कि ये चीज आपने गलत उस वक्त कही थी, ये ऐसे नहीं, मेरा ख्याल है हाथ उठाने का तो किसी को भी बहुत सारे घरों में, हमारे मजहब में मना है, बहुत सारे घरों में जेठ भी हाथ उठा रहे होते हैं, बिल्कुल हक नहीं है जेठ।